सत श्री अकाल, मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। गल करांगे के प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई जिहड़ी है उस उपर बड़ी उम्मीद बन गई है, और इस सिलसिले विच कौमी इंसाफ मोर्चा जो बंदी सिंघां दी रिहाई लई लंबा संघर्ष जिन्ने बिन्या होया, और बड़े लंबे समय तो 7 महीने हो गए नो इत्थे चंडीगढ़ दी अंबरूआं ते धरना दिता होया उन्होंने, जिस विच काफ़ी ज़्यादा उन्होंने समर्थन मिलिया पंजाब दे लोकां वालों, पंथक हलकियां वालों। पर हुण उन्होंने उम्मीद जागी है कि दविंदर पाल भुल्लर नू एक हफ्ते दे विच उस दी रिहाई की उम्मीद बनती नजर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उसनू महीना भी लग जाए पर उसकी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह 1993 दे बम ब्लास्ट केस विच दोषी सीगा। उदे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मौत की सजाए मौत दी सी, पर बाद विच उसकी लाइफ टर्म विच तब्दील हो गई, अते हुण उसनू जेल विच 1993 तो लैके वह हुण तक जेल विच है, और जिहड़ी उसकी लाइफ टर्म है वो काफ़ी देर दी खत्म हो चुकी है। अते इस करके कि जिहड़ी चंडीगढ़ तो मांग की जाती सी उदा एक केस पाया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। कौमी इंसाफ मोर्चे ने दसाया कि उदे उपर जो दिल्ली सरकार नू यानी अरविंद केजरीवाल दी सरकार यानी आम आदमी दी पार्टी दी सरकार ने ये विश्वास दवाया कि भी इस दा केस 1 महीने तक इस दा जो है वो असी फैसला दे देंगे, अते उस दी जड़ी उसकी रिलीज़ होने की संभावना बनी है। उस बारे जी कौमी इंसाफ मोर्चा है उस विच बड़ी तसली बख्श गलबात है, और अज असी तुहानू उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विच अपनी इस मुद्दे उपर जो अपना बयान जारी किया उहदे नाल तुहाडी सांझ पांदे आ। उन्होंने एक वड्डी कॉन्फ्रेंस कीती सी जिहदे च होर बड़ियां गल्लां कीतियां, पर सानू इवें लग्या कि प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई वाला मुद्दा जो है वो असली मुद्दा है जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चे ने धरने नाल संबंधित है, यानी बंदी सिंघां की रिहाई। सो दो बंदी सिंह अगे कोर्ट विचों जेलां चों बाहर आ चुके हैं, ये तीसरा होवेगा। तो इस बारे तुहानू असी इन्हां दियां अगे दिखाने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो। जो प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह जी भुल्लर ने उन्होंने जी प्री बचो रिहाई वास्ते जी इतने लाई गई सी अपील पंजाब हरियाणा कोर्ट के दिल्ली सरकार ने, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ही साइन करने ने आखिरी वो वास्ते उन्हें 4 हफ्ते के छड़न का प्रण किया ज कह लो वायदा किया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ना, वो कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रैशर नाल, क्योंकि कौमी इंसाफ मोर्चे ने इन्हां दे बहुत प्रैशर पाया सी। इस करके अमृतसर के डीसी ने जिहड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी, उत्थे दे एसएसपी ने प्रशासन ने पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी कि इस बंदे ने कोई बाहर निकल के जो आउंदा साडे समाज नूं साडे सिस्टम नूं कोई खतरा नहीं, उहदा चंगा प्रभाव पिया। तो कोर्ट ने फैसला किया, तो दिल्ली सरकार ने यह मन्या कि असी 4 हफ्ते के छा। सो ये तुसी वीडियो देखी है, कौमी इंसाफ मोर्चे ने अज अपने हैडक्वाटर मोहाली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपनी तसली जताई है कि उन्हां दे यतना दा सदका ही ये रिहाई जल्दी हो जाएगी। धन्यवाद, सत श्री अकाल।